में कुछ डेटा दे रहा है हमें, कह रहा हाउ मच द बिजनेस ओ इट्स सप्लायर्स ऑन 31 मार्च, हमें अपने सप्लायर्स को कितने पैसे देने 31 मार्च। बहुत आसान है, इसके लिए हम PLCA भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं, ओपनिंग में अगर आप देखें सप्लायर को कितने पैसे देने थे, 9500 ये ले रहे हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मुझे बताया जब हम उधार पे माल खरीदेंगे हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हम गुड्स रिटर्न कर देंगे सप्लायर को तो रिटर्न आउटवर्ड है, उससे हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब हम चेक से पे करेंगे सप्लायर को तो उससे भी हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो उससे भी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं? कैसे? 9500 लें, उसमें 10,000 प्लस कर दें, जिसमें से 200, 8900 और 100 माइनस कर दें, तो जो बच जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंस है, वो आ रहा है 10,300। अरे भाषण, तो ये हमारा बन गया PLCA का अकाउंट। आप चाहें तो इसका PLCA भी बना सकते हैं। PLCA किसका अकाउंट होता है भाई? लाइबिलिटी का अकाउंट होता है। ओपनिंग लाइबिलिटी किधर आती है? क्रेडिट पे। तो क्लोजिंग कहाँ पे आनी चाहिए भाई? डेबिट पे। जब मैं परचेस करूंगा उधार पे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जब पेमेंट करूंगा सप्लायर को तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और जब रिटर्न आउटवर्ड होगा उससे भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव से भी कम हो जाएगी। इसमें जब ये सब पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बैलेंस शीट याद आएगा। आ गई बात समझ? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बात